ओके, देखिए आज हम बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो ड्रग्स एंटी हाइपरटेंसिव के लिए बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कहीं किसी स्टेप पे इनहिबिट करके एंटी हाइपरटेंसिव की तरह हेल्प करती हैं। तो वो ड्रग में देखिए कुछ ड्रग्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट नाम लेके पूछा जा सकता है। उसमें से इंपॉर्टेंट एक ड्रग है क्लोनिडिन। तो क्लोनिडिन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो समझते हैं। देखिए बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ के आ रहे हैं, चूंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब मैंने पहले वाले वीडियोस में जब स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरीके से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या एड्रिनर्जिक न्यूरॉन के अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिसके बाद जैसे हमने टायरोसिन, डोपा, डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन, उसके बीच में कौन से एंजाइम हैं और कौन सी ड्रग हैं जो एड्रिनर्जिक न्यूरोनल सिंथेसिस में, जो नॉर इपिनेफ्रिन की सिंथेसिस के डिफरेंट स्टेप पे एक्ट करती थी, उनका नाम लिया था। लेकिन अब हम उन पर्टिकुलर ड्रग्स का एक एक ड्रग का डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में वो आती हैं। जैसे कि हम पहला स्टेप जिसको हम ब्लॉक करने वाले हैं वो है बेसिकली जो ड्रग है हमारी आज की वो है क्लोनिडिन, राइट। और क्लोनिडिन में हम जो स्टेप पढ़ रहे हैं, ड्रग्स इनहिबिट द सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो। मीन्स आपके एग्जामिनेशन में ये भी आ सकता है, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग दैट इनहिबिट द सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में एक्चुअली सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम कैसे करके कौन सी ड्रग काम करती है उसको हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली देखिए ये आपका प्री साइनेप्टिक क्या है, न्यूरॉन है, और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में आपकी ये जो है क्या है, ये वेसाइकल्स हैं, राइट। ये एड्रिनर्जिक न्यूरॉन है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है एंड ये पोस्ट एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है, राइट, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब आपको इतना स्टेप पता है इस वेसाइकल में, चूंकि ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है तो क्या होंगी, नॉरएपिनेफ्रिन होगा। नॉरएपिनेफ्रिन ये ग्रीन कलर से यहां पे शो करके रखा है, जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा इट बाइंड्स विद द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर और इट बाइंड्स विद द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर। और सबसे बड़ी क्लोनिडिन की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि क्लोनिडिन एक सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग है। नंबर टू, क्लोनिडिन अल्फा टू रिसेप्टर एगोनिस्ट है। क्लोनिडिन क्या है, अल्फा टू रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अल्फा टू जो रिसेप्टर है वो प्रीडोमिनेंटली जो ज्यादातर होता है दैट विल बी प्रेजेंट ऑन द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और बच्चों जो रिसेप्टर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड ऑटो रिसेप्टर। और ऑटो रिसेप्टर के सेपरेट सेशन में मैंने डिस्कस कर रखा है कि जो भी ऑटो रिसेप्टर होगा जब कभी इसका एगोनिस्ट आके इसको एक्टिवेट करेगा तो ये फर्दर जो रिलीज है ट्रांसमिशन का उसको क्या कर देगा, इनहिबिट करेगा। मतलब मैंने कहा था कि ऑटो रिसेप्टर का एक्टिवेशन उस आउटफ्लो के लिए जस्ट लाइक अ ब्रेक की तरह काम करता है जो उस आउटफ्लो को क्या करेगा, डिमिनिश्ड करेगा, कम करेगा। तो क्लोनिडिन जो हमारी ड्रग है दैट इज अल्फा टू एगोनिस्ट एंड आफ्टर बाइंडिंग विद द अल्फा टू एगोनिस्ट इट वर्क्स एज अ ब्रेक इन द सिंपैथेटिक आउटफ्लो। मींस आउटफ्लो का मतलब जो नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसाइज होके वेसाइकिल में पैक होके फर्दर स्टिमुलस से वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होने का जो प्रोसेस है उस आउटफ्लो को क्या करेगा, ये ब्रेक की तरह काम करेगा, मींस इनहिबिट करेगा। तो सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो को जब कम करेगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारी ड्रग, चूंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आउटफ्लो हाई ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है तो जब ये आउटफ्लो को कम करेगा, इनहिबिट करेगा, तो हम बोलेंगे ये ड्रग हमारी क्या करती है, एज अ एंटी हाइपरटेंसिव वर्क करती है बाई स्टिमुलेटिंग द अल्फा टू रिसेप्टर विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रिसेप्टर। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब बात ये समझ आएगी कि क्या जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उस पर भी कोई रिसेप्टर होते हैं, बिल्कुल, उस पर आपके बीटा वन रिसेप्टर भी होते हैं एंड अल्फा टू रिसेप्टर भी होते हैं। तो इन अल्फा टू रिसेप्टर और ये अल्फा टू रिसेप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, तो बेसिकली बच्चों बात यह है कि जो पोस्ट साइनेप्टिक अल्फा टू रिसेप्टर होते हैं वो क्या करेंगे, वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, मींस सिंपैथेटिक एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, लेकिन उनको
स्टिमुलेट करने के लिए आपकी आपको क्लोनिडिन की बहुत ज्यादा इवन हाई डोज ऑफ क्लोनिडिन रिक्वायर्ड होगा। तो हम कभी भी क्लोनिडिन का हाई डोज या इंट्रावेनस क्लोनिडिन को यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह ये है। देखिए यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उस बात को मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं पिक करता हूं कौन सा, ये बीच वाला पॉइंट। देखिए क्लोनिडिन के लिए लिखा है कि इफ क्लोनिडिन क्या यूज कर रहे हैं, इंट्रावीनस। तो क्लोनिडिन क्या करता है, सबसे पहले बीपी को बढ़ाता है, और बीपी को बढ़ाने की वजह क्या है कि वो हाई डोज पे, चूंकि इंट्रावेनस की बात कर रहे हैं, हाई डोज पे प्री साइनेप्टिक जो अल्फा 2 रिसेप्टर है उस पे ना एक्ट करके, एक्ट उस पे भी करता है लेकिन वहां पे चूंकि इसकी हाई डोज प्रीडोमिनेट किस रिसेप्टर के थ्रू करती है एक्शन, अल्फा 2 रिसेप्टर जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर है। और यहां पे प्रेजेंट जो अल्फा 2 रिसेप्टर है जब ये एक्टिवेट होगा तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, ये क्या करेगा ब्लड प्रेशर को एनहांस कर देगा, मींस ये ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, बीपी को बढ़ा देगा, कौन, पोस्ट साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर। और जैसे ही जैसे उसका इंट्रावेनस के कुछ टाइम के बाद उसकी उस पॉइंट पे यहां पे कंसंट्रेशन कम होगी तब वो स्टार्ट करने लगेगा किसके थ्रू एक्शन, प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर मींस ऑटो रिसेप्टर, और तब वो फॉल इन बीपी करेगा, राइट right? तब वो फॉल इन बीपी करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंट्रावेनस क्लोनिडिन प्राइमरली या फर्स्ट ऑनसेट ऑफ इंक्रीज इन बीपीस का एक्शन दिखता है, जो कि ये किस वजह से है, पोस्ट साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेशन, जबकि कुछ उसके बाद क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड फॉल इन बीपी होता है, और ये एक्शन कैसा है, प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर, जो कि हम क्या, ऑटो रिसेप्टर बोलते हैं। ये पॉइंट बहुत क्लियर हुआ। यही वजह होती है कि हमको, चूंकि हाइपरटेंशन के इंडिविजुअल को आप अगर बीपी इंक्रीज करें तो वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, इसीलिए हम क्लोनिडिन को कभी भी इंट्रावेनस देने की एडवाइस नहीं करते हैं। तो आपका हमेशा क्लोनिडिन कैसे यूज करेंगे, ओरल डोज में। ओरल डोज में देने की वजह से क्या होगा, क्लोनिडिन स्लोली एब्जॉर्ब होगा, और स्लोली एब्जॉर्ब होगा तो केवल और केवल उसका एक्शन जो आएगा वो किस रिसेप्टर के थ्रू आएगा, अल्फा 2 रिसेप्टर के थ्रू, जो ऑटो रिसेप्टर है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे है, और केवल हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ओनली एंटी हाइपरटेंशन, राइट। तो ये एक इसका क्लोनिडिन का फैक्ट है कि हम क्यों उसको आईवी यूज नहीं करते हैं, राइट, नंबर वन। अब देखिए इधर की सारी बातें डिस्कस हो गई। दूसरी क्लोनिडिन के साथ है कि क्लोनिडिन का एक साइड इफेक्ट होता है, चूंकि सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो को ये कम कर रहा है ओरल डोज पे, तो जब आउटफ्लो कम करेगा तो वो सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो है बेसिकली आपके किस लिए होता है, एक्साइटमेंट, फ्लाइट एंड फाइट की कंडीशन में वो ज़्यादा स्टिमुलेट होता है। तो कहीं ना कहीं हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि वो क्या ड्रग क्या करेंगी जो इस आउटफ्लो को कम करेंगी, वो क्या कॉज करेंगी, सिडेशन कॉज करेंगी। तो ये आपको अपने याद रखना है कॉन्सेप्ट में। दूसरा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा नहीं है क्लोनिडिन में। एक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि क्लोनिडिन का कभी भी एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन करने का एडवाइस नहीं दिया जाता, और उसकी वजह क्या है, देखिए उसकी वजह जो कोरिलेटेड है, हमने जब पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे आई होप अपरेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर, तो उस समय हमने पढ़ा था अपरेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन में कि किसी चीज का आप अगर क्या ले लेते हैं, एगोनिस्ट, क्या ले लेते हैं, एगोनिस्ट, तो एगोनिस्ट लेने से क्या होगा, बेसिकली आप जब इसका एगोनिस्ट ले लेंगे तो आपका एगोनिस्ट, चूंकि हम अल्फा 2 को क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 को, तो जब हम इस क्लोनिडिन का एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन करेंगे तो जब तक आपने क्लोनिडिन लिया तब तक तो क्लोनिडिन इससे क्या था, बाउंड था, राइट, क्लोनिडिन क्या कर रहा था, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा था, राइट, इनहिबिट कर रहा था, तो जब यहां पे एक्टिवेट नॉरिपिनेफ्रिन का लेवल बहुत कम हुआ, मतलब ऑल द टाइम नॉरिपिनेफ्रिन के रिलीज को ये फर्दर इनहिबिट कर रहा है क्लोनिडिन अल्फा 2 से बाइंड हो गए, तो जब ये यहां पे इनहिबिट कर रहा, तो जो इसके रिसेप्टर थे वो नंबर ऑफ रिसेप्टर क्या हो गए, प्री पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ज्यादा बन गए, जिसको हम बोलते हैं अपरेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर, राइट, अपरेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर होने लगा, क्योंकि
नंबर्स यहाँ पे बॉडी अपने उस होमियोस्टेसिस को मेंटेन करना चाहेगी, तो जब यहाँ नॉरएपिनेफ्रिन कम था तो उसने रिसेप्टर को अपरेगुलेट करने लगा। तो जब आप लंबे समय तक क्लोनिडिन ले रहे हैं तो क्लोनिडिन लेने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ जो सरफेस पे रिसेप्टर हैं वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अब सडन सपोज करिए किसी ने क्लोनिडिन का इंटेक बंद कर दिया, तो क्लोनिडिन का जब इंटेक बंद किया तो रिलीज किसका एकदम से बढ़ेगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो आएगा क्योंकि ब्रेक की तरह कोई काम अब हो नहीं रहा है। जब सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो आएगा और चूंकि इसको लॉन्ग टर्म में लेने से यहां पे अपरेगुलेशन हो रखा है रिसेप्टर का, तो वो सारा नॉरएपिनेफ्रिन सारे रिसेप्टर से बाइंड करेगा और एकदम से हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होगी, या हाइपरटेंसिव उसको बोलते हैं क्या, रिबाउंड हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, रीबाउंड हाइपरटेंशन। तो रीबाउंड हाइपरटेंशन क्या होगा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लोनिडिन, प्रॉपर्टी एक्चुअली नहीं है, अच्छी बात नहीं है। क्लोनिडिन को सडन विड्रॉल आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड होगी रिबाउंड हाइपरटेंशन की। तो बहुत क्लियर होगा आई थिंक रिबाउंड हाइपरटेंशन। और देखिए बच्चों, यही वजह होती है कि क्लोनिडिन उन लोगों को एडवाइज नहीं की जा सकती जिनका जिनमें ये ज़्यादा जिनमें ये ज़्यादा चांसेस हों कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्लोनिडिन की डोज को मिस कर देंगे या क्लोनिडिन डिसकंटिन्यूएशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें अब क्या होगा, हाइपरटेंसिव, अगेन वो हाइपरटेंसिव हो सकते हैं, क्राइसिस हो सकती है। तो इस वजह से ट्रैवलिंग जॉब करने वालों को या इस तरह की जॉब करने वालों को जिनमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो डोज को कई बार अपनी मिस कर सकते हैं, उनको हम क्लोनिडिन एडवाइज नहीं करते। इसीलिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट, ट्रैवलिंग जॉब को हम एडवाइस नहीं करते। तो देखिए बच्चों, आपके दो तीन पॉइंट यहां से निकले, बातें बहुत हुई समझाने के पर्पस से। अल्फा टू सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लोनिडिन सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करता है। नंबर टू, आईवी नहीं देते, ओरल देते हैं, उसके अपने रीजंस हैं क्योंकि लो डोज पे वो प्रीसाइनेप्टिक पे ही एक्ट करता है। नंबर थ्री, हाइपरटेंसिव जो क्लोनिडिन के क्लोनिडिन से एक्सपोज्ड इंडिविजुअल होगा, जो क्लोनिडिन की एडवाइस जिसको दी जा रही है, उसको ये नहीं बोला जाएगा कि आप क्लोनिडिन को क्या करिए, एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन करिए, क्योंकि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अपरेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर होगा जो कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस कर देगा। ट्रैवलिंग जॉब वालों को एडवाइस नहीं की जा सकती। तो ये तीन चार फैक्ट्स हैं, इसके साथ आपका ये क्लोनिडिन का एक्शन अब आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम किसी और पाथवे को टारगेट करके सिंपैथेटिक फ्लो को कम करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोनिडिन। थैंक यू वेरी मच।